हेलो एंड वेलकम टू कुक विद प्रेमलता। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये खट्टा भाजी है, खट्टा भाजी की रेसिपी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो इसका जो ये पत्ता दिख रहा है, बस ये पत्ता पत्ता को ही काटना है, तोड़ना है, मतलब हाथ से अच्छी तरह से टूट जाता है आसानी से। एक एक पत्ता को आपको तोड़ना है। ये डंगाली दिख रहा है, ये डंडी दिख रहा है, सब डंगाली और डंडी को हटा देना है, अलग कर देना है। सिर्फ पत्ता को ही तोड़ा जाता है। बस इस तरह से मैंने सारे पत्ते को अलग कर लिए हैं। और ये भाजी को आप बड़े वाले डेग में, मतलब आपके यहाँ जो छोटा बड़ा जो भी डेग है, वो डेग में आप भिगा के रख लीजिए। और इसका कम से कम 15-20 मिनट डुबा के रखिएगा, ताकि इसका जो बालू है नीचे रह जाए और भाजी आसानी से साफ पानी धो के आप उसको निकाल सकते हैं। इसको आप कम से कम 3 से 4 पानी आप आसानी से धो सकते हैं। इस तरह से देखिए पत्ता कितना आसानी से टूट जाता है। थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन इस तरह से पत्ते पत्ते को ही अलग करना है। इसे खट्टा भाजी कहते हैं। और ये देखिए डेगची में मैंने पानी गर्म करने के लिए बैठा दिया है। और ये जब पानी उबल जाए तो भाजी को उबालेंगे। और ये देखिए इसमें चना दाल है, मिर्ची है और लहसुन प्याज, यही डलाएगा इसमें, और नमक हल्दी, और इसके सिवा कुछ नहीं। तो इस तरह से मैंने ये देखिए प्याज भी, 2 प्याज है मेरा ये स्लाइस करके रखा है। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो एक पतीले में मेरा पानी गर्म करने के लिए बैठा दिए हैं। तो चना दाल मैंने भिगा दिया, इसलिए भिगाया क्योंकि चना दाल कड़ा हो जाता है, तो भूंजने से ज़्यादा ऐसे नहीं होता। तो इसको सब घर वाले में पसंद करते हैं कि भिगा के ही बनाया करिए, तो मैं भिगा के ही बनाती हूँ। तो ये देखिए उबल गया मेरा पानी, अच्छी तरह से गर्म हो गया। तो भाजी को मैं इस तरह से इसमें डाल रही हूँ। और इसमें डालने से क्या होता है, ये अच्छी तरह से उबल जाता है। पानी गर्म गर्म पानी में आप डालिए और ढक्कन ढक के कम से कम 15-20 मिनट तक रख दीजिए। और ये इसका जो एक खट्टा रहता है भाजी, तो इसमें जो पानी जो ये है वो सारा पानी इसका खट्टापन निकल जाएगा। तो आप इसको पानी को फेंक दीजिए और उसके बाद सिर्फ भाजी को आप छौंका मारिएगा, क्योंकि काफ़ी खट्टा रहता है ये। तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और बहुत कोई है जो पसाना पसंद नहीं करते, डायरेक्ट बना देते हैं, तो हम लोग को वैसा नहीं बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। उबाल के इसका जो पानी है उसको फेंक देते हैं और सिर्फ भाजी को ही बनाते हैं। तो इस तरह से मुझे उबालना है। जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तो इसका जो पानी है उसको मुझे फेंक देना है। जैसे चावल का माड़ पसाते हैं उस तरह से इसको भी पानी को निथार देना है, फेंक देना है। तो ये देखिए भाजी देखिए कितने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। और इस समय उबालते समय आपको नमक उमक कुछ नहीं डालना है, क्योंकि इसमें नमक डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। छौंका मारने के टाइम जब भाजी को छौंका मारेंगे उस समय आप नमक डालिएगा, जो भी डालना है उसी समय, इस समय कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आप इसको देखिए, अच्छी तरह से मेरा भाजी हो चुका है। और इसको ढक्कन ढक के मुझे पानी को निकाल देना है। तो देखिए, और मेरा पानी उसमें से ये हट गया है। और ये छौंका मारने का तैयारी भी मेरा एक तरफ हो रहा है। देखिए मैं किस तरह से इसको छौंका मारती हूँ। आपको जितना भाजी के अकॉर्डिंग, मैंने 3 से 4 चम्मच तेल लिया है। और इसमें पहले लहसुन डालूँगी, लहसुन जब कड़क जाए, लाल हो जाए थोड़ा गुलाबी, तो इसमें प्याज और हरी मिर्च जो है, मैंने हरी मिर्च को पीस दिया था। काटने से क्या मुँह में आता है तो बच्चे को दिक्कत होता है, बच्चे लोग नहीं खाना चाहते, मिर्ची निकाल देते हैं। तो मैंने मिर्ची को भी पीस दिया है अच्छी तरह से। तो इस तरह से पीस देने से क्या, वो मिर्ची पिसा गया तो आराम से खिला जाता है। और ये देखिए प्याज है, प्याज मैंने 2 प्याज किया है। तो हिसाब से आप प्याज को महीन काट सकते हैं, लंबा लंबा भी कर सकते हैं, जैसे आपको हिसाब से आप पसंद है आपको। तो ये देखिए मैंने इस तरह से काट दिया है। और अच्छी तरह से इसको भूंज लीजिए। भूनने के बाद जब ये गुलाबी हो जाए तो मैं चना दाल भी डालना है इसमें। तो आप पहले मिर्चा डालना चाहे तो मिर्चा डालिए। मैंने इसमें जब मेरा प्याज अच्छी तरह से हो गया है तो मैंने मिर्च को और चना दाल दोनों को मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से थोड़ा टाइम नहीं लगता है इसको ज़्यादा भूनने में, लेकिन क्योंकि भाजी है तो भाजी में थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसका देखिए मिर्ची का जितना मेरा मिर्च आपको दिखाए थे, खट्टा में थोड़ा सा तीखापन होना चाहिए ताकि खट्टापन जो है थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग जब भी बनाते हैं भाजी, खट्टा भाजी, तो उसमें थोड़ा सा तीखापन होता है।
तो आपको जैसा पसंद हो हिसाब से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। बच्चों के अकॉर्डिंग मिर्ची डालिएगा, मेरे कहने पे मत डालिएगा। तो इस तरह से आप तीखा जितना आपको पसंद है उतना हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये देखिए चना दाल जो मैंने भिगाया था उसका पानी फेंक के मैंने इसको अच्छी तरह से डाल के इसको भूंजना है, और इसी में नमक और हल्दी डाल देना है जितना आपको खट्टा के हिसाब से। भाजी है तो खट्टा भाजी में थोड़ा नमक ज़्यादा जाता है, तो उस हिसाब से नमक आप देख लीजिएगा जितना डालना है वो हिसाब से। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला है और हल्दी 1 चम्मच हल्दी डाल दी मैंने। तो इसको पहले अच्छी तरह से भूंज के बस भाजी को इसमें डाल के पलटी कर देना है। और ये भाजी को आप चाहे तो थोड़ा रस्सादार भी रख सकते हैं और चाहे तो आप सूखा भी बना सकते हैं, तो आपको जैसा पसंद है वो हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो इसको आप जब ये अच्छी तरह से पक जाता है तो आप इसको दल घुटनी जो होता है उसमें भी आप घूंट सकते हैं, उसमें भी घूंट के मैंने इसको बनाया था। तो ये देखिए जो भाजी है इसको मैं पसा रही हूँ, पानी देखिए कैसे निकालना है इसको। इस तरह से आप पानी को निकाल दीजिए, ऐसे ही मैंने निकाला था। और ये एक तरफ मेरा ये अच्छी तरह से गुलाबी लाल हो गया है, देख रहे हैं आप। बस नमक हल्दी सब डला चुका है, अब बस आपको जो अकॉर्डिंग आपको और मसाले इसमें ऐड नहीं होते हैं। देखिए मैं हल्दी भी डाल रही हूँ, हल्दी मैंने नहीं डाला था, अब मैं हल्दी डाल रही हूँ। तो आपको हल्दी कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच मैंने डाला है। तो बस इसके बाद ये भाजी को इसमें डाल देना है और इसमें और भी कुछ ऐड नहीं होता है। आप चाहे तो चना भी डाल सकते हैं, चना भी डालते हैं ये भाजी में, चना भी डाला जाता है। तो आपको अगर चना डाल के खाना है तो चना डाल के भी भिगा के आप इस तरह से भून के डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से मेरा ये हो चुका है और भाजी को बस ये भाजी देखिए मेरा हो गया। और पानी थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है तो पानी को मैं नहीं डालूँगी, डालना होगा तो थोड़ा बहुत डाल सकती हूँ 1-2 चम्मच। ये जो करछी जिसमें मैं सब्जी को डाल रही बस उसी में 1-2 चम्मच मैं डालना होगा तो डाल दूँगी, और इससे पानी और निकलेगा अभी भाजी बनते बनते। तो इसको आप दल घुटनी से घूंट दीजिएगा अगर आपको घूटना है तो, और नहीं तो आप इसी तरह से सूखा भी खा सकते हैं। मैं और हम लोग थोड़ा रस्सादार वाला खाए थे आज, तो इसलिए आपको जो पसंद है जैसा पसंद है आप कर सकते हैं। बस इस तरह से आपको इस अल्टी पलट पलट करके खोना है और ये बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार दाल चावल आलू पराठा जो के साथ खाना चाहें आप खा सकते हैं, पूरी उड़ी के साथ। और ये देखिए ये बन के तैयार हो गया, बस ये उबल ही रहा है, गरम गरम ही है। तो आप इस समय इस स्टेज में भी बन कर सकते हैं या फिर इसको आप सुखा सकते हैं। मैंने इसी स्टेज में इसको बंद कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।